नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 2018 में कौन रहा था बॉक्स ऑफिस का किंग, किसकी फिल्म ने कमाए थे सबसे ज़्यादा और कौन पद्धति हासिल कर पाया था नंबर एक की। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और साथ ही साथ में हॉलीवुड टॉलीवुड और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका और अपना चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। चलिए दोस्तों अगर हम बढ़े हमारे नंबर पाँच की तरफ, तो दोस्तों हमारे नंबर पाँच है सलमान खान सर जी, जिनकी 2018 में आई हुई फिल्म रेस 3 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा था 249 करोड़ रुपए। वहीं पे इनके फिल्म ने इंडिया का नेट कलेक्शन करा था 166 करोड़ रुपए। वहीं पे दोस्तों ये अपनी जगह बनाए हुए हैं नंबर 5 पे। वहीं पे अगर बढ़े हम हमारे नंबर 4 पे, तो दोस्तों हमारे नंबर 4 पे आमिर खान सर जी, जिनकी फिल्म थी थैंक्स ऑफ हिंदुस्तान और इनकी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा था 327 करोड़ रुपए चाइना का मिला के। और वहीं पे इनकी फिल्म ने इंडिया का नेट कलेक्शन करा था 145 करोड़ रुपए। अगर बात करें दोस्तों तो इनकी फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं चल पाई थी। वहीं पे अगर बढ़े हम हमारे नंबर 3 पे, तो दोस्तों हमारे नंबर 3 पे रणवीर कपूर जी। जी हाँ दोस्तों, 2018 में इनकी एक ही फिल्म आई थी जिसका नाम है संजू, और संजू फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा था 578 करोड़ रुपए का। वहीं पर अगर बढ़े तो इनकी फिल्म ने इंडिया का नेट कलेक्शन करा था 342 करोड़ रुपए का। वहीं पर दोस्तों 2018 में इनकी फिल्म ने काफ़ी अच्छा अपना रिस्पॉन्स बताया था। और दोस्तों 2019 के एंड में भी इनकी फिल्म आने वाली है ब्रह्मास्त्र। वहीं पर दोस्तों अगर हम बढ़े हमारे नंबर 2 पे, तो दोस्तों हमारे नंबर 2 पे है रणवीर सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, 2018 में इनकी दो फिल्म आई थी जिसमें से एक का नाम है पद्मावती और दूसरी का नाम है सिम्बा। अगर बात करें इन दोनों के कलेक्शन की, तो पद्मावती का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था 585 करोड़ रुपए और उस फिल्म का इंडिया का नेट कलेक्शन हुआ था 302 करोड़ रुपए। वहीं पे अगर बात करें फिल्म सिम्बा की, जो कि 2018 के एंड में आई थी, वहीं पे दोस्तों उनकी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा था 390 करोड़ रुपए और इंडिया का नेट कलेक्शन करा था 240 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला के हो चुका है 975 करोड़ रुपए और इन दोनों फिल्मों का इंडिया का नेट कलेक्शन मिला के हो चुका है 542 करोड़ रुपए और ये अपनी जगह बना पाए हैं नंबर 2 पे। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों हम नंबर 1 की, तो दोस्तों हमारे नंबर 1 पे है हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार सर जी, इनकी 2018 में 3 फिल्में आई थी जिसमें से एक का नाम है पैडमैन, दूसरी का नाम है गोल्ड और तीसरी का तो आप सभी को पता है, जी हाँ दोस्तों, 2.0। अगर बात करें इन फिल्मों के कलेक्शन की, तो पैडमैन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 205 करोड़ रुपए और इंडिया का नेट कलेक्शन था 82 करोड़ रुपए। वहीं पे अगर बात करें गोल्ड फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 188 करोड़ रुपए और इस फिल्म का इंडिया का नेट कलेक्शन था 110 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर बात करें 2.0 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 727 करोड़ रुपए और इस फिल्म का इंडिया का नेट कलेक्शन था 407 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर बोलूँ इस फिल्म के ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन तो काफ़ी शानदार ही हुआ था। वहीं पर अगर बढ़े इन तीनों फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तरफ, तो इन तीनों फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था 186 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर बात करें इन तीनों फिल्मों के नेट कलेक्शन की, तो इन तीनों फिल्मों का नेट कलेक्शन हुआ था 599 करोड़ रुपए, या तो यूं कहें कि 600 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों ये अपना सिक्का जमाए हुए हैं नंबर 1 पे। अब देखना यह है कि 2019 में कौन नंबर 1 पे रहता है, अक्षय कुमार सर जी, सलमान खान सर जी, आमिर खान सर जी या फिर शाहरुख खान सर जी। आपके ओपिनियन क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो के लिए। दोस्तों ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का, और साथ ही साथ में हॉलीवुड टॉलीवुड और साउथ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका और हमारा चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।